हरी दीदी किसे देख रही हो आप? राक्षस। नहीं 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 नहीं, रिस्तरा बाबू को। तुमने कैसे जाना? आपकी दूरबीन किताबों वाले कमरे की तरफ है ना, और वहाँ सारा दिन रिस्तरा बाबू के सिवाय कोई जाता है क्या? तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप क्यों देख रहे हो पति बाबू को। क्यों? ताकि जान सको कि इस समय वो खुश है या गुस्से में है। खुश होंगे तभी तो आप उनसे बात कर पाओगी ना, मना पाओगी उन्हें कि वो यहाँ बुला ले मेरी माँ को। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजना जरूर। मुझे नहीं भेजना, माँ को बुलाना है। हाँ, वही। मस्त परफ्यूम है, मस्त परफ्यूम। अरे बिहारी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? वही जो बैरिस्टर बाबू ने मंगवाया है, हम बिल्कुल नहीं भूले, एकदम याद है, मुंह जवानी कंठस्थ। क्या मंगवाया है? अरे वो अरे आपने जब वो रोका ना तो हम सब भूल गए कि अनिरुद्ध बाबू ने क्या बोला है। बादाम खाया करो भारी बाबू, दिमाग भी फूल जाएगा पेट की तरह। हाँ, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। अभी तक तो सब अच्छे से याद था। वो क्या कहते हैं जो बरिस्टर बाबू लगाते हैं? थप्पड़। थप्पड़? अरे थप्पड़ काहे लगाएंगे वो हमें। सौदामिनी दीदी, वो क्या है जो उन्हें बहुत पसंद है, और जो हाँ जो नहा धो करके वो सीसी में से फुस फुस करके लगाते हैं? फुस फुस। अब कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है। फुस फुस नहीं, मस्क परफ्यूम। हाँ वही तो, मस्क परफ्यूमे, वही तो मंगवाए हैं। अच्छा तुम रहने दो, मैं दे आऊंगी। फुस फुस अनिरुद्ध को। हाँ, फुस फुस मतलब वो मस्त परफ्यूमे। कुछ भी करके परी दीदी को रोक नहीं होगा, वरना मेरा बिस्तर गीला करने वाली बात राक्षस बाबू को, फिर घर वालों को, और फिर गांव में सबको पता चल जाएगा। कहीं परी दीदी को पता चल गया कि राक्षस बाबू का फुसफुस मैं छिड़कती हूँ कुर्सी पे तो क्या होगा? आपको पक्का पता है फुसफुस ही मंगवाए बिस्तरा बाबू ने? हाँ। और कौन सा, ये भी? हाँ। कैसे? कितने सारे फुसफुस हैं यहाँ पे तो, और अच्छे भी हैं। मैं कहती हूँ ये ले जाओ आप। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे मस्क परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन पसंद बदल भी तो सकती है। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद कभी नहीं बदलेगी, और ये बात तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। ये लो तुम्हारा मनपसंद मस्क परफ्यूम। पर मैंने तो बिहारी से मंगवाया था, तुम क्यों ले आई? क्यों, मैंने लाकर गलती की? अब इतना भी अधिकार नहीं रहा मेरा तुम पर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाओ। ये आधी से भी कम कैसे हो गई? किसने लगाया इसे?
सोमनाथ बटो स्टडी में आओ। जी दादा, तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार से तोहफे में मिला हुआ महंगा परफ्यूम लगाता हूँ। ऐसा बाबा कहते हैं और मैं उनका ही परफ्यूम लगाता हूँ। हाँ दादा, और मैं भी, या फिर जो आप लाते हो मेरे लिए। सच कहोगे तो दंड नहीं मिलेगा, वरना झूठ बर्दाश्त नहीं। तुम दोनों जानते हो सोमनाथ अटुक। आप सिर्फ हमें क्यों बोलते हैं? कोई और नहीं है घर में, जैसे ये लड़की। हाँ दादा, क्योंकि यही तो रहती है दिन रात आपके कमरे में आपकी जगह, इससे क्यों नहीं पूछते? बंदिता, क्या तुमने लगाया इसे अपने ऊपर? सच सच बोलो बंदिता, क्या तुमने इसे लगाया अपने ऊपर? सच बोलूंगी कि मैंने इस्तेमाल किया है तो बिस्तर गीला करने वाली बात सबको पता चल जाएगी। पति बाबू से झूठ नहीं बोल सकती, पर सच भी कैसे बताऊं? त्रिलोचन बाबू बाहर आइए, जमींदार बाबू बाहर आइए। ये बाबा और काका का नाम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले रहे हैं लोग? रुको रुको, क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है सब? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए, अरे ऐसे कहां घुसे आ रहे हैं आप? हैं? याद दिलाना पड़ेगा क्या? ये आपके गांव के किसी गली का चौपाल नहीं है, हवेली है, वो भी रॉय चौधरियों की। देखिए, हमें बात करनी है जमींदार बाबू से। अरे तो क्या बात करना है, आप मुझे बोलिए ना। बुलाइए उनको, नहीं बात करनी है आपसे। बात नहीं करनी मुझसे? आपसे बात नहीं करनी, मुझे जमींदार बाबू से बात करनी है। बुलाइए उनको जाकर। अरे बुलाइए, पहले वो उन्हीं को बुलाइए। क्या हुआ, क्या है? अंदर हो या बाहर, रॉय चौधरियों की हवेली में सिर्फ रॉय चौधरियों की आवाज ही गूंजनी चाहिए। क्या हो गया, ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो जैसे कोई तुम्हारी धोतियां लूट के ले गया हो? बिल्कुल सही कहा जमींदार साहब आपने, धोतियां ही लूट ली गई आज हमारी नदी किनारे से। हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, सजा दें उस चोर को। गीले बदन बिना कपड़ों के छुपते छुपाते हम अपने घर कैसे पहुंचे हैं ये हमें ही पता है। बहुत शर्म का सामना करना पड़ा आज हमें। जमींदार है सही है, पर गांव के बंदरों पर हुक्म चलता है क्या हमारा? कैसे समझाएं उनको कि बंदरों हम हमारे गांव वालों की धोतियां ना उठाओ? देखिए जमींदार साहब, अगर किसी बंदर ने धोती चुराई होती तो हम लोग यहां नहीं आते। अच्छा तो कौन था, लकड़बग्घा? अरे आपकी नई नवेली बहू त्रिलोचन बाबू। जबान संभाल कर बात करो। राय चौधरियों की बहू के बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारी बहू, हमारा मान सम्मान, उसका अपमान मतलब हमारा अपमान। हमारी बहू ने तुम्हारी धोतियां चुराई, ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे किया तुमने? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए थे, और चोर को दंड मिले बिना न्याय होगा क्या? बस
कुछ नहीं सुनना हमें। अरे आए न्याय मांगने हमसे, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इस वाहियात बात पे हम अपनी बहू को सजा दे देंगे। आप ओए चौधरियों को नीचा दिखाना चाहते हो? जाओ यहां से या निकलवाए तुम सबकी जमीन के कागज। रुकिए, निरुद्ध क्या कर रहे हो? जो सही है वही कर रहा हूं काका, न्याय। बंदिता इधर आओ। निरुद्ध हम फैसला सुना चुके हैं, अब कुछ कहने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है काका, अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो किसी अपने नहीं क्यों ना किया हो। बंदिता इधर आओ। इनके कपड़े तुमने चुराए क्या? बंदिता क्या तुमने इनके कपड़े चुराए? झूठ बोलना तुम्हारी दूसरी गलती होगी बंदिता। क्यों? बराबरी का मतलब समझाने के लिए पति बाबू। पूछिए इनसे, क्या ये नदी पे परेशान नहीं करते औरतों को? क्या औरतों के नहाने के समय पे पहुँच नहीं जाते हैं ये नदी पे? आज कपड़े चुराए इनके तो पता चला इन्हें कि कैसे शर्म आती है भागने में। इनके कारण औरतों को रोज गीले बदन सबसे छुपते छुपाते भागना नहीं पड़ता क्या नदी से? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करता आदमी और औरतों में। जैसा बुरा इन्हें लगा यार, औरतों को रोज नहीं लगता होगा। जमींदार बाबू, अब आपकी घर की औरतें सबक सिखाएंगी हम आदमियों को। हाँ त्रिलोचन बाबू, अब औरतें न्याय करेंगी। हाँ न्याय करेगी औरत। सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। सारे नियम और कानून सिर्फ औरतों के लिए क्यों, आदमियों के लिए क्यों नहीं? हर लकीर हर दीवार सिर्फ औरतों के लिए क्यों, आदमियों के लिए क्यों नहीं? औरतें हर चीज में पीछे रहे और आदमी को छूट मिले आगे बढ़ने की, ऐसा क्यों? औरत कोई खिलौना तोड़े, बर्तन तोड़े या नियम तोड़े हमेशा दंड पाए, पर आदमी गलती करे कुछ भी तोड़े वो उसका साहस कहलाए, वो शाबाशी पाए, क्यों? उसे उसका दंड क्यों नहीं? औरतों की गलती पे इतना शोर और आदमी गलत हो तो एक आवाज भी नहीं। क्यों आदमी ही सब कुछ कर सकता है पर औरत अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो उसके पाँव बांध दिए जाए, क्यों? आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती?
क्यों मेरी चोरी दिखी सबको, पर इनकी गलती नहीं। ये औरतों पे हंसे तो सही, पर कोई इन पे हंसे तो गलत क्यों? औरतें रोज शर्म करें इसे, पर एक दिन इनको शर्मिंदा होना पड़ा तो गलत क्यों? आपने ये कहा था ना पति बाबू, हंसना रोना खाना पीना हाथ पांव आंख सब बराबर दिए हैं भगवान ने। तो औरतों का स्थान आदमियों से क्यों कम? हर चीज कम देंगे औरतों को, पर बात निभाने की हो, सहने की हो, छुपाने की हो, शर्म की हो, तो वो ज्यादा करे औरत क्यों? हाँ गलती की है मैंने, पर कारण यही सब है उसका। पति बाबू बोलिए, क्या मैं गलत हूँ? Bravo girl, bravo. I'm proud of you. Well said. ये क्या जवाब दिया मेरे प्रश्नों का पति बाबू ने? ऐसा तो कभी मम्मी ने डांटा नहीं। लगता है बहुत गुस्से में है राक्षस बाबू। बेवकूफी भरी सवाल पूछने पे इस गांव की लड़की से इम्प्रेस हो रहे तुम अनिरुद्ध? भाषण ही पसंद है तुम्हें तो कहते मुझसे, प्यार भरी चिट्ठियों की जगह सामाजिक लेख ही भेज रही थी तुम्हें विलायत। इतने सालों के प्यार के बोल की जगह नारी सुनाती तुम्हें। भले ही सवाल ये लड़की करे तुमसे, पर तुम्हारा जवाब मैं ही हूँ अनिरुद्ध। सुना ना आप लोगों ने क्या कहा बोंदता ने? तो क्या अभी आप लोगों को चाहिए न्याय? बोंदिता की कही एक एक बात सही है, और उसने जो किया वो भी बिल्कुल सही किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? औरतों के नहाने के समय नदी में पहुंच जाते हो? उन औरतों में से कोई एक आपके घर की औरत होती तो अच्छा लगता है ना? क्यों? देखिए सारी शिकायतें आपकी पत्नी को ही हैं, और किसी गांव की किसी औरत ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। हमें न्याय चाहिए बस। कभी ना कभी कोई ना कोई एक पहली आवाज उठाने वाला होता है, और फिर वही पहली आवाज एक बुलंद नारा बन जाती है। मुझे तो गर्व है कि पहली आवाज बोंदिता ने उठाई। तो अभी जो न्याय न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, चले जाइए इसके पहले कि मैं दंड दे दूं। और खबरदार, जो औरतों के नहाने के समय पर नदी पे पहुंचे तो इस बार ये एक एक धोती बच गई है आप लोगों के लिए, अगली बार वो भी नहीं बचेगी। जाइए, चलो निकलो, चलिए।